तो चलिए बिखेर देते हैं हम आपकी जिंदगी में भी इस रेनबो की तरह एंटरटेनमेंट के रंग, अमन गांधी के संग। नहीं नहीं, मैं नहीं लेकर चल रही आपको अपने शो भाग्य लक्ष्मी के सेट पर। हम तो पहुंचे हैं आयुष यानी अमन गांधी के पास, और अमन कर रहे हैं वर्कआउट, दे रहे हैं हमें कुछ वर्कआउट टिप्स भी, और कर रहे हैं हमारे साथ ढेर सारी मस्ती। तो चलिए देखते हैं ये स्पेशल जिम स्टोरी विद अमन गांधी। आयुष का स्वैग। गांधी का फिटनेस फंडा। करिश्मा बुआ के बेटे के डोले शोले। भाग्य लक्ष्मी के आयुष यानी कि अमन गांधी संग सास बहू और बेटियां ने बिताया एक दिन। जाना उनकी फिटनेस का राज, कैसे वो बनाते हैं टोन बॉडी, डोले शोले, जिम में कितना समय बिताते हैं, और हाँ साथ ही ली फिटनेस की कुछ खास टिप्स भी। भाई दिल्ली का ये छोरा अपनी सेहत का खासा ध्यान रखता है, एक भी दिन वर्कआउट को मिस नहीं करता, साथ ही साथ करता है डाइट भी। भाई अब टीवी पर अच्छा दिखना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी होगी ना। वैसे आपको बता दें कि अमन गांधी को आप सीरियल भाग्य लक्ष्मी में तो देख ही रहे हैं, इसके अलावा वो सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, सिमर और नागिन जैसे शोज में काम कर चुके हैं। तो आइए सीधा चलते हैं अमन गांधी के पास, जहाँ वो सास बहू और बेटियाँ और अपने दर्शकों को ले जाएंगे अपने जिम में, और दिखाएंगे कि वो कैसे खुद का ध्यान रखते हैं और बनाते हैं डोले शोले। हेल्थ इज वेल्थ, और यही फिटनेस मंत्रा के साथ हमारे साथ है आज अमन। और अमन, अमन के जिम में हैं हम। अमन, कितना वर्कआउट और कितना हेल्थ आज फिर से मेंटेन होने वाला है? कोशिश रहेगी कि आधा पौना घंटा है मेरे पास, मेरे को शूट के लिए भागना है, तो कोशिश रहेगी इस आधे पौने घंटे में हम अच्छे से बॉडी को पंप कर लें, ताकि जब हम शूट पे जाएं तो कॉन्फिडेंटली जाएं, अच्छे दिखे। तो उस मोटिव के साथ जिम में घुसेंगे। तो जनरली शूट होता है तो कितना मेंटेन कर पाते हो, कैसे कितना टाइम निकाल पाते हो जिम में? बहुत डिफिकल्ट होता है ऑनेस्टली, क्योंकि हम लोग 12 घंटे शूट करते हैं, फिर अगर आप ट्रैवल काउंट कर लो तो 14 घंटे, सोने के अगर आप 6 घंटे भी लगा दो तो 20 घंटे ये हो गए, फिर खाना पीना नहाना वगैरह मिला मुलू के 23 घंटे हो गए, तो जो बाकी का एक घंटा लगता है उसमें 45 मिनट्स निकाले किसी हमें जिम करना होता है। कभी हमारा कॉल टाइम लेट होता तो सुबह, वरना पोस्ट वर्क विच इज़ वेरी डिफिकल्ट ऑनेस्टली, बट करना पड़ता है, क्योंकि हम अपने आप के लिए खुद एक प्रोडक्ट है जिसको हम खुद बेचते हैं, तो हम अपने ही सेल्समैन हैं, हम अपने ही प्रोडक्ट हैं, तो इस प्रोडक्ट को मेंटेन करने के लिए वर्कआउट करना पड़ता है। एंड आई रियली लाइक वर्किंग आउट, सो इट्स ओके, उसी हिसाब से मेंटेन रखना पड़ता है। जिम के साथ साथ, वर्कआउट के साथ साथ डाइट कितना फॉलो करते हैं और कितना इंपॉर्टेंट होती है डाइट? आई थिंक डाइट इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, जितना वर्कआउट इंपॉर्टेंट नहीं है उतना डाइट इंपॉर्टेंट है ऑनेस्टली। एक सेइंग है जिसमें बोला जाता है कि 25% आपका वर्कआउट होता है, 75% आपकी डाइट होती है, और ये सही बात है। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो यहाँ पर, जितनी मर्जी पसीने बहा लो, अगर आपकी डाइट सही नहीं है तो आप मत ही करो जिम यार, ऑनेस्टली। डाइट करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सुबह सुबह निकलना हो तो आपका कुक, या फिर जिन लोगों के पास कुक भी नहीं है, सुबह सुबह सारा अपना खाना बना के शूट पे ले जा सकें, या फिर आप हर रोज़ बाहर से ऑर्डर कर रहे हो, बहुत डिफिकल्ट होता है मेंटेन करना। फॉर्चुनेटली मेरे पास कुक है जो कि मेरे लिए सुबह सुबह सारा खाना बना देता है। डाइट मेरा ब्रेकफास्ट शुरू होता है उठते ही स्मूदी, प्रोटीन स्मूदी, फिर होता है अपना एग सैंडविच, फिर कुछ छाछ या लस्सी कुछ, फिर उसके बाद चिकन एंड राइस, एंड देन एग्स अगेन इन द इवनिंग, एंड देन डिनर चिकन एंड राइस, एंड सोने से पहले अगेन प्रोटीन स्मूदी। सो ये मेरा एक डाइट है फिक्स, मैं ट्राई करता हूँ इसको चीट ना करूँ, पर हर 4-5 दिन में फिर एक आध मिठाई हो जाती है, एंड स्पेशली व्हेन यू स्टे विद रोहित सुचंती तो थोड़ा सा चीट करना लाजमी है। तो चलिए वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, और जिम के साथ साथ डाइट भी इम्पोर्टेंट है। ये है मेरे ट्रेनर मिस्टर संदेश, अभी हम रिसेंटली साथ में ट्रेनिंग कर रहे थे, बट फॉर सम रीज़न आई हैड टू लीव दिस जिम फॉर सम टाइम, अभी वापस आ गया। तो संदेश आज तक के लिए कुछ मेहनत करते हैं, देखो काम से मतलब सीधा बैक टू बिजनेस, मतलब संदेश को इंटरेस्ट नहीं है बातचीत।
डाइट प्लान तो हमने जान लिया, अब देखिए कैसे वो जिम में करते हैं कोर एक्सरसाइज, अपर बॉडी लोअर बॉडी, उठाते हैं भारी भरकम डंबल्स, करते हैं कार्डियो और हर तरह की वो एक्सरसाइज जो उनकी बॉडी को टोन बनाती है। अमन गांधी ने शेयर की फिटनेस की कुछ खास टिप्स, कैसे वर्कआउट करें, कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखें और सुनाएं कुछ किस्से भी। ओके, सो जो जिम वर्कआउट होता है वो कुछ बॉडी पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जैसे मैं करता हूँ एक दिन चेस्ट, अगले दिन बैक एंड शोल्डर टुगेदर, देन आर्म्स एंड देन लेग्स। अब सिंस मेरा सिंस ये सैटरडे है, सारे वर्कआउट्स हो चुके थे, तो आई एम मिक्सिंग इट अप। तो रैंडमली एक्सरसाइज कर रहा हूँ बट पुश एंड पुल का ध्यान रख रहा हूँ। वन इज पुश एंड देन वन इज पुल एंड देन वन पुश एंड देन वन पुल। और मेरे सांस थोड़ी कम आ रही है अभी। तो पुशअप से स्टार्ट किया था, विच इज़ अ पुश एक्सरसाइज, पुलअप किया जो कि पुल एक्सरसाइज है, उसके बाद हमने ट्राइसेप किया एंड अभी हम बाइसेप करने के बाद हम चेस्ट पे आए हैं। ये जो डंबल है ये 17.5 kgs है। जब मैंने जिम स्टार्ट किया था तो मैंने देखा था एक बंदा ना बहुत हैवी लिफ्ट कर रहा था ऐसे करके, मैं बहुत हैरानी होती थी। मैंने उनके पास पूछा कि भैया ये आप इतना हैवी कैसे लिफ्ट करते हो? जो उसने आंसर दिया वो किसी को हेल्प नहीं कर सकता। मैंने बोला कैसे करते, तो बोलता आँख बंद करके। आई थिंक मैंने स्टार्ट किया था जब मैंने 12th पास की थी, आई थिंक 2008 में मैंने स्टार्ट किया था, और इट्स बीन नाउ 14 ईयर्स मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। ऑनेस्टली मैं बहुत लोगों को सुनता हूँ कि यू नो हमें वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है, हम ठीक दिखते हैं, यू नो स्पेशली लड़कियाँ, मतलब नथिंग अगेंस्ट देम, बट लड़कियाँ बहुत तरह से बोलती हैं कि यू नो हमें वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है, हमें कौन सा बॉडी दिखानी है या फिर हमें कौन से मसल्स दिखाने हैं। इट्स नॉट अबाउट जस्ट मसल्स। सी कुछ लोगों के एम होते हैं मसल्स, जैसे मेरा एम रहता है कि मसल्स ग्रो करूँ, बट ज़रूरी नहीं सबका एम ये हो। आई थिंक वर्कआउट सबको करना चाहिए विदाउट फिट बीट फॉर फिटनेस। चूज योर गोल्स बट वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए। एवरीबडी शुड वर्कआउट एटलीस्ट 4 to 5 days अ वीक। मेरे को 14 ईयर्स हो गए एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई वर्कआउट। कि जब मैं दिल्ली में था, और ये बहुत ही कॉमन है, जब मैं दिल्ली में था तो मेरे को ऐसा था जितना बल्की हो जाएंगे उतनी अच्छी फिजिक होती है। आप बॉम्बे आते हैं आपको रियलाइज़ होता है कि जितना लीन रहोगे हल्की सी मसल रहेगी वो सेंसिबल और अच्छी फिजिक लगती है। सो उस बल्किनेस से लीन में आना और फिर उसको मेंटेन करना हैज़ बीन अ वेरी टफ जर्नी, बट मैं वर्कआउट बहुत इन्जॉय करता हूँ, मैं अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखता हूँ, तो आई थिंक दैट वर्क्स आउट फॉर मी। हाँ, मैं एब्स बनाने भी नहीं जाता, क्योंकि जब मैं एब्स बनाता हूँ मेरी वेट लूज़ करने की टेंडेंसी है, तो मेरा मुँह ऐसे हो जाता है, तो पॉइंट नहीं है एब्स बनाने का क्योंकि शक्ल दिखनी है, एब्स नहीं दिखनी टीवी पे। वाकई अमन गांधी के एब्स
डॉल शोलो का तो जवाब ही नहीं है। देखिए तो जरा कैसे बेयर बॉडी में वो दिखा रहे हैं अपना टशन। अमन रणबीर कपूर के बहुत बड़े फैन हैं और एक्टिंग में उन्हें वो फॉलो भी करते हैं। रणबीर कपूर से ऊपर मेरे लिए ऑनेस्टली कोई नहीं है व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग। आई थिंक जब वो पैदा हुए होंगे और जब पैदा होकर जब रोता है ना वो जो बच्चे जो होते हैं वो जो जस्ट बॉर्न होते हैं आई थिंक ही वॉजन क्राइंग ही वॉज एक्टिंग वो रोने की एक्टिंग कर रहे थे। ही इज़ दैट नेचुरल। सो आई एब्सोल्युटली अडोर हिम एंड रिस्पेक्ट हिम एंड फॉलो हिम। एंड व्हेन इट कम्स टू फिजिक रणबीर कपूर वाली फिजिक तो गिफ्टेड होती है यार, वो किसी की बन नहीं सकती। आई थिंक ही इज़ वेरी गिफ्टेड। टाइगर श्रॉफ अगेन इज़ अ वेरी डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। हम वहाँ तक भी नहीं पहुँच सकते। सो हम कहीं ना कहीं बीच में रहते हैं। हम अपना खुद का एजेंडा क्रिएट कर रहे हैं कि ऐसी फिजिक भी इनफ होती है टीवी के लिए। सो आई एम प्रीटी हैप्पी विद वेयर आई स्टैंड। सो मेरे को बस मेंटेन करना है इसको लाइफ में। शूट से पहले वर्कआउट इतना स्ट्रेसफुल होता है बट बहुत अच्छा होता है वर्कआउट, क्योंकि आपको पता होता है आपके पास आधा घंटा 45 मिनट्स है, उसी में सब कुछ कर देना है आपको। तो आप भाग भाग के एक्सरसाइज करते हो विदाउट टेकिंग अ लॉट ऑफ ब्रेक। तो मुझे बहुत मजा आया। और नुपुर ने मेरे को डांस कराया, मेरे को डांस नहीं आता यार। जो लोग देख रहे हैं ना कि मैं वो ट्राई कर रहा था वो सब जो कर रहा था, आपको शायद समझ नहीं आएगा वो क्या स्टेप था पर वो स्टेप है, वो एग्जिस्ट करता है, बॉलीवुड में अभी भी चल रहा है वो शायद आपको समझ ना आए क्योंकि मैं बहुत बुरा डांसर हूँ। तो ऑल थैंक्स टू नुपुर की वर्कआउट के साथ साथ मेरा जुम्बा भी हो गया। तो ये था हमारा वर्कआउट आज का। अब वर्कआउट खत्म हो गया, अब टाइम है फटाफट से भागने का घर पर। मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, ये फर्स्ट फ्लोर पर ही है, यहाँ पर ही मेरा घर है। तो अभी बस भाग के मैं फटाफट से ऊपर जाऊंगा, रेडी होना है, नहा के और भागना है भाग्य लक्ष्मी के सेट पे, जहाँ पर आयुष आजकल एंटी लक्ष्मी हुआ हुआ है। मैं दिल से चाहता हूँ, अमन दिल से चाहता है कि आयुष फटाफट से प्रो लक्ष्मी हो जाए, बिकॉज आई यूज टू लव हाउ आयुष वॉज। मेरे को सीरियस आयुष ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, हालांकि इट्स अ डिफरेंट वेरायटी, तो मुझे डिफरेंट खेलने को मिल रहा, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इंडिविजुअली, बट आई लाइक आयुष स्माइलिंग लाफिंग। तो आने वाले कुछ एपिसोड में शायद आपको वो आयुष फिर से देखने को मिले, शायद रश्मि का रोमांस फिर से देखने को मिले, पर वो कैसे होगा कब होगा उसके लिए तो आपको देखते रहना पड़ेगा भाग्य लक्ष्मी मंडे टू सैटरडे 8:30 जी टीवी पर एंड एनी टाइम ऑन Zee5। तो भाई आज का वर्कआउट हुआ खत्म, अब बारी है सेट पर जाने की। इसीलिए सास बहू और बेटिया को अमन ने किया बाय बाय। तो उम्मीद है अमन गांधी से आपने फिटनेस और वर्कआउट की कुछ खास टिप्स ली होंगी। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।